सिसमा कम्युनिटी रिजर्व, ये चंडीगढ़ से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही बढ़िया दृश्य है इसका डैम का। तो आज की वीडियो में मैं सब ओरिजिनल दिखाने वाला हूँ आपको। कोई वीडियो की एडिटिंग नहीं होगी, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा, जो होगा बिल्कुल ओरिजिनल होगा। बने रहिए दोस्तों मेरी वीडियो से। दोस्तों जितने भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब पार्किंग एरिया है इनका। आगे एक गेट की एंट्रेंस आएगी, उसके बाद का आपको व्यू देखने वाला है। दोस्तों मैं यहाँ पे 2-3 साल पहले आया था, ये सारा जो रोड था ये कच्चा था, तो कैप्टन सरकार की मदद से इसको बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, मेरे को यहाँ पे चंडीगढ़ की सुखना लेक से ज़्यादा अच्छा फील आया है। तो फ्रेंड्स ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से आप यहाँ से एंट्री लेंगे। ये कुछ इन्होंने लिख के लगा रखा है, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और फ़ोटो उतारते टाइम अपना ध्यान रखें थोड़ा सा। तो ये एक फ्लाईओवर की तरह है, एक तरफ इसके जंगल है, होटल हैं, दूसरी तरफ इसके झील है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। आगे बोटिंग का मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा और क्या प्राइस रहेगा उसका, कितने टाइम के लिए देते हैं ये। और नीट एंड क्लीन है दोस्तों ये बिल्कुल एरिया, और बारिश का पानी होता है इस झील के अंदर सारा ही। सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, बीच में कितना बड़ा पहाड़ बना हुआ है, ग्रीनगी है चारों तरफ, इसके ग्रीनगी ही ग्रीनगी है। इन्वायरमेंट यहाँ का नीट एंड क्लीन है दोस्तों बिल्कुल ही। और आप यहाँ पे रात को भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं, तो किसी भी टाइम आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मैरिड कपल हो या अपनी फैमिली के साथ हो, यहाँ पे आप आइए, बहुत बढ़िया है। तो आज हम आए हैं सिसमा डैम पे, आज आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखाते हैं। बारिश का मौसम है, बहुत बढ़िया अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो बने रहिए मेरी वीडियो से, आपको आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आज यहाँ का आपका बढ़िया दृश्य दिखाएंगे आज आपको यहाँ पे। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है इधर साइड में, आप ग्रीनरी देख सकते हैं आप, इधर पहाड़ बने हुए हैं चारों तरफ, यहाँ पे ये होटल है सामने और पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं पूरे। आज कुछ मौसम भी बारिश का है, तो वो इस टाइम भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, अच्छा आनंद आ रहा है। और अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूँ, इस तरफ आप झील देख सकते हैं, ये देखिए ये सब झील का पानी है, बिल्कुल साफ पानी। और उधर बहुत ये देखो दोस्तों कितने बढ़िया होटल बन चुके हैं यहाँ। चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है ये, चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है ये सिसमा डैम। और यहाँ पे जो आपकी चंडीगढ़ में सुखना लेक है वैसा ही सेम नज़ारा है दूसरी तरफ, पर उससे ज़्यादा बढ़िया नज़ारा इधर है ग्रीन की। ये देखो गाड़ियाँ भी आ रही हैं यहाँ पर, चंडीगढ़ की गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पर। उधर झील है, पास जाके दिखाएंगे भी आपको, वहाँ पर पार्क बना है, जो दूर का दृश्य दिखा देता हूँ एक बार पार्क का, क्या शानदार पार्क बन चुका है यहाँ पे। आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, और मौसम बहुत शानदार है आज, यहाँ पे बारिश हो रही है। तो आपको दिखानी थी ये चीज़ मैंने, इसलिए हम बारिश में ही आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। चारों तरफ मैं कैमरा घुमा देता हूँ, आपको सारा समझ आ जाएगा किस टाइप का यहाँ पे नज़ारा है। देखिए रात को भी आ सकते हैं, लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ दूसरी तरफ जंगल है, तो वहाँ पे रात को जाना ये अलाउड नहीं करते, तो जो इन्होंने प्लेस बनाया हुआ है यहीं पर आप घूम सकते हैं। जी दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सब ट्रैकिंग के लिए है, पैदल जा सकते हैं लोग इधर, काफ़ी लंबा है आगे। रास्ते में इन्होंने बैठने के लिए काफ़ी प्लेसेस बनाए हुए हैं जहाँ पे कपल अपना बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। और ये चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी मैं आपको नॉर्मल प्लेस दिखाता हूँ जहाँ पर आम बंदे विजिट करते हैं फैमिली के साथ, ये कपल्स के लिए है, यंगर्स के लिए है, जा सकते हैं। जितना ये सब जंगल है, जितना भी आप देख रहे हैं ये सब जंगल है यहाँ पर, और नीचे का आप देख लो पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और हम यहाँ पे बारिश में आए हैं, अगर आप बारिश में आ रहे हैं तो अपने जूते और सैंडल बढ़िया वाले डाल के आएँ, जो आपकी बाथरूम चप्पल है वो उसका यूज़ ना करें यहाँ पे, क्योंकि जो पत्थर है ना यहाँ से ये स्लिप कर सकता है। बाकी आप चल सकते हैं बढ़िया तरीके से, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है मैं आगे आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर पक्षी, अलग अलग तरह के आपको पक्षी मिल जाएंगे यहाँ पर, स्पेशल बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे अभी ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, हट वगैरह इन्होंने बना दी है बढ़िया,
रात का यहाँ पे रुकने का प्रोग्राम भी अभी 2-4 दिन में ये कह रहे हैं अभी स्टार्ट कर देंगे हम। हाँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की है यहाँ पे कुछ। ये यहाँ पे रहने का बनाया हुआ था, ठीक है, ये होम है रहने के लिए, बारिश में गर्मी में उससे बचाव हो जाता है। और ख़ास बात ये है ये सारा एसी है, इतना भी है। तो मैं एक आपको एसी का डब्बा दिखा देता हूँ, देखो तोशिबा का एसी लगा हुआ है इस पर, जितने भी हट हैं इन्होंने सब एसी बनाई हुई है, प्रॉपर काम किया हुआ है, आर्मी तरपैल लगी हुई है इसके ऊपर, बारिश में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ इन्होंने पक्के भी बना रखे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं ये हट है जो सब पक्की बनी हुई है। अब हम आपको पार्क की तरफ लेके चलते हैं। ग्रीन की फूल है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया दृश्य है। फॉरेस्ट जीप है इनकी, 4x4। एक हट ये दिखा देते हैं अभी आपको, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, मस्त। यहाँ पे भी ये देखिए प्रॉपर बैठने का बनाया हुआ है, ये कैंटीन वगैरह है इनकी, यहाँ पे खाने पीने का सामान ले सकते हैं आप। कैप्टन सरकार ने बनाया इसको, और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये सामने इनकी कैंटीन है, लोग बारिश के कारण अंदर खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अभी आपको पार्क का दृश्य दिखा देते हैं, छोटा सा पार्क बनाया है कि यहाँ पे, यहीं से इनकी बोट वगैरह रन करती हैं। तो अभी टिकट वगैरह का रेट मैं पता करता हूँ, क्या टिकट वगैरह ये कॉस्ट कर रहे हैं इसकी, और कितने टाइम के लिए आपको ये राइड देंगे। शानदार लगाए हुए हैं, प्रॉपर उनके नाम इन्होंने लिखे हुए हैं, ये देखिए सदाबहार, ये सदाबहार के फूल हैं, पत्ता अजवाइन ये लगा हुआ है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है लगा हुआ, रोजमेरी, और ये पत्थर चूर आगे, ये देखिए सरस्वती, सतावरी नाम है उसका, बच, ये भी छोटे पौधे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का फ्लावर निकालेंगे अपने अंदर से। लेमन ग्राम, सफ़ेद मुसली, ये देखो सफ़ेद मुसली का पौधा है, ये बहुत मेडिसिन में यूज़ होती है, मेरे को पता था मैंने बता दिया आपको। ये है काली तुलसी, तुलसी भी काफ़ी टाइप की होती है, काली तुलसी ये वाली है इधर वाली, ठीक है, कपूर तुलसी ये वाली है, ये वाली स्टीविया, हाँ ये है स्टीविया का पौधा। आगे भी एक दो है, अभी सारे दिखा देते हैं हमको। नागदेन क्या नाम है, पढ़ लेना आप, मुसाका बुट्टा, मिरगुंडी, संतालू, ये देखिए एक कैंप ये बना रखा है इन्होंने बैठने के लिए, कितना मस्त लग रहा है ये वाला कैंप। आपके थोड़ा गिल्ला है अभी यहाँ पे, ये इनकी लाइफ जैकेट वगैरह इन्होंने रखी हुई है। इस टाइप का व्यू है यहाँ पे, इसके लिए चल रही है, घूम करके दिखा देते हैं अभी आपको।
क्या मस्त है। मतलब यहाँ पे बारिश के कारण आज इतना क्राउड तो नहीं है, पर मेरे को चंडीगढ़ से इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। ग्रीनरी बहुत है, फुल फ्रेश ऑक्सीजन का आप आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए बारिश हो रही है, अभी भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बारिश में भी पब्लिक आ रही है। अब ये भाई साहब आए, इनसे बात करता हूँ मैं। ये कहाँ से आए हैं? हाँ जी सर, कहाँ से आए हो आप? ये इधर से आए हैं, सियालवा गाँव से। ओके, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया लगा ही। मस्त लगा, बढ़िया। सबसे बढ़िया मस्त जगह है, जब मर्जी आओ घूमने के लिए। ओके, तो आप तो पास से ही आए हैं, अक्सर आते जाते रहते होंगे यहाँ पे? जाते रहते। कितना को टूरिस्ट आ जाता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाता है घूमने के लिए। ओके, टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे? हाँ बहुत आते हैं। ओके ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। कैंप देखिए दोस्तों, कितना शानदार लग रहा है यहाँ पे। यही तो हमारे देश की जनता चाहती है, फ्रेश ऑक्सीजन, फुल ग्रीनरी, और बच्चे भी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और दोस्तों आज बारिश हो रही है, बारिश में भी काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और कल संडे है, आज शनिवार का दिन है यहाँ पे, फिर भी क्राउड काफ़ी है। ये देखिए अब ये लोग राउंड लगा के आए हैं यहाँ पे। वेरी गुड, ये छतरियाँ लगा दी हैं इन्होंने किश्ती के ऊपर, बारिश में आपको दिक्कत ना आए। अभी भी काफ़ी लोग निकले हुए हैं घूमने के लिए, दो वो हैं, एक काफ़ी दूर जा चुकी है, और एक ये यहाँ बैठ के आप आनंद ले सकते हैं। और सफाई का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखें, डस्टबिन तक लगा रखें इन्होंने देखिए, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप कचरा फेंकते हो ना तो वो पता नहीं कब साफ़ होगा। तो आपका खुद की आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। चारों तरफ का आपको दोस्तों एक बार नज़ारा और दिखा देते हैं, देखिए ये दोस्तों एंट्रेंस है जहाँ से हम आए थे नीचे, देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, और यहाँ से इनकी एंट्री है। देखिए ये जो बोटिंग ये करवा रहे हैं, ये 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं आधे घंटे के लिए। यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, जिन्होंने करनी है, किश्तियाँ खड़ी हैं इनकी। फोटो खींच, फोटो वगैरह आप यहाँ पे बढ़िया उतार सकते हैं। ये देखिए तो अभी ये कुछ नौजवान है, अभी इसकी राइड लेके आए हैं। हाँ जी जनाब, कहाँ से हो आप? हम यहीं पंजाब से। अच्छा, लोकली हो पंजाब से? लोकली है मेरा। क्या बात है, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मजा आ गया। ओके, तो सुखना लेक है उससे कैसा लगा आपको? मजा आ गया फुल। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों राइड करने के साथ साथ आपके खाने पीने का भी बहुत ही बेहतरीन इन्होंने ध्यान रखा है। अभी मैं आपको कैंटीन की तरफ लेके चलता हूँ, पर इन्होंने कैंटीन बनाई हुई है। बारिश के मौसम में बाहर घूमने का आनंद ही कुछ और है। ये देखिए ये रास्ता इनका कैंटीन की तरफ जा रहा है, अभी आपको कैंटीन दिखाते हैं यहाँ पे।
देखिए कैंटीन, फैमिलियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अभी मैं इनको इनका मेन्यू लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ। गरम गरम दे रहे हो सर फूड, गरम गरम दे रहे हो। मेन्यू लिस्ट दिखाएंगे अपनी मेन्यू लिस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों ये इनके प्राइज हैं, देखिए चंडीगढ़ सुखना लेक से काफ़ी अच्छे प्राइज हैं इनके यहाँ पे। मैगी ना सिंपल कर देना है, बहुत बच्चे के लिए लेने थे, मसाला वगैरह खाएंगे नहीं। ठीक, यहाँ पे टेबल लगाए हुए हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे ये खाने का आनंद ले रहे हैं। देखो स्पाइसी नहीं होगा, वेजिटेबल ही है। और ये इनका इधर एग्जिट है, तो इन्होंने यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी दी हुई है। ये देखिए इनके नीट एंड क्लीन यहाँ पे वॉशरूम मिल जाएंगे आपको, पानी की टंकी है। और ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना SNAC ट्रेल टाइमिंग 8 AM to 5 PM, तो ये रूट इनका अंदर की तरफ जाता है, साइकिलिंग वगैरह जो लोग करते हैं। अभी कुछ बॉयज़ यहाँ पे साइकिलिंग कर भी रहे थे, वो देखिए वो साइकिल लेके निकलने ही वाले हैं। अभी जो लोकल हैं चंडीगढ़ से हैं वो यहाँ पे साइकिल वगैरह अपनी लेके आते हैं प्रॉपर। उसकी चाबी खो गई है मेरे ख्याल से साइकिल की। तो ये फीमेल वाशरूम है इनके। ये रिसेप्शन है इनका। चलिए अब हम यहाँ से एग्जिट का रास्ता लेते हैं। तो दोस्तों ये भाई साहब कह रहे हैं चंडीगढ़ से साइकिल ली थी रेंट पे, इसका लॉक लग गया है, वाईफाई के जरिए चलती है ये। आगे देखते हैं क्या बनता है इसका। बंदा देखो तंग हो रहा है, दोनों बंदे तंग हो रहे हैं, अगले पैसे भी दाए हैं। की गल लॉक की होया इधर? लॉक हो गया ऑटोमेटिक। अच्छा लॉक हो गया ऑटोमेटिक। ये केड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक है? केड़ी कंपनी दी है ये? 17 चो आए ने, स्मार्ट बाइक चंडीगढ़ वाली। हां ओहो, ये भी हेल्पलाइन नंबर नहीं, ये दा रिचार्ज करो ना। रिचार्ज तो है, नेटवर्क नहीं है। ओके लो, ये आप साइकिल इस टाइप की इधर कम लेके आए चंडीगढ़ वालों, नेटवर्क के कारण इसमें इशू आ सकता है आपको। तो दोस्तों ये तो बारिश का मौसम था, साइकिल पे बंदे परेशान नहीं हुए इतने, पर आप ध्यान रखें। वातावरण बहुत साफ है दोस्तों यहाँ का, इस टाइम 17 डिग्री टेम्परेचर है, और अभी ये देख लो 7वां महीना चल रहा है, तो इस टाइम भी अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पे, अच्छा आनंद है, अच्छी हवा चल रही है, क्लीन प्रॉपर, खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। आगे एक और कैंप है वो दिखाते हैं आपको। लो जी भाई साहब की बाइक चल चुकी है, अभी पूछते हैं कैसे चली है इनकी। चल गई भाई बाइक, अब कैसे चल गई है? खुल गई, नेटवर्क खुल गए। लो जी नेटवर्क आ गया यहाँ पे, थोड़ा आगे आगे चल गई है, पहले ये बाइक बंद हो गई थी।
लॉक ही हो जाती है, प्रॉपर ब्रेक लग जाता है इसमें। ये दोस्तों इनका ब्लैक होल क्लब कैफे है एंट्रेंस के पास ही, ठीक है। ये देखिए अभी हम इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या है। मुड़ा हट के है यार ये भी। कैंटीन वगैरह है ना, ठीक है। अच्छा इधर भी बना हुआ है, इसकी एंट्री पता नहीं किस तरफ से। अभी ये बैठने का बनाया इन्होंने चाय कॉफ़ी के लिए, पेंटिंग की हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर चढ़ के मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, क्या नज़ारा है ऊपर से दिखाते हैं आपको, झील का फुल नज़ारा कैसा है। वाह जी वाह, प्रॉपर लकड़ लगा के इन्होंने अच्छी डिजाइनिंग की हुई है। वाह जी वाह। लो जी ये आपको अभी 360 व्यू दिखाता हूँ सारा, वो देखिए यहाँ भी बैठने की हट बनी हुई है। तो वो सामने 1 किलोमीटर पे अभी हम घूम के आए हैं। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके लिए ऐसे ही नई नई लोकेशनें में लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हम यहाँ बड़ी शान से ये भी लिख सकते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, बहुत मज़ा आ गया।